अब बात करेंगे पावर प्ले की। वो खबरें जो हालांकि अभी पर्दे के पीछे हैं, लेकिन जिसकी चर्चा सत्ता और सियासत के गलियारों में हो रही है। हरियाणा की खट्टर सरकार इन दिनों अपनों से ही जूझ रही है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी खट्टर सरकार के लिए नया सिरदर्द बनते जा रहे हैं। दरअसल राजकुमार सैनी इन दिनों बीजेपी हाईकमान और खट्टर सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। पार्टी के कुछ सांसदों और विधायकों का भी उन्हें समर्थन हासिल है। माना जा रहा है कि सैनी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी नई पार्टी का भी ऐलान कर सकते हैं। राजकुमार सैनी पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल के भी साथी रहे हैं। सैनी गैर जाट और पिछड़ा वर्ग की राजनीति करते हैं और वो हाल में हरियाणा में अलग थलग पड़े स्वर्णों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। राजकुमार सैनी हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जातीय रैलियां भी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। फिलहाल सैनी ने 26 नवंबर को जिंद में एक बड़ी रैली का भी ऐलान कर दिया है। दूसरे दलों की देखा देखी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कभी परंपरावादी पार्टी का चोला उतारने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी ये सारी कवायद धरी की धरी रह गई। 2014 में सत्ता में रहते हुए पार्टी ने धूमधाम से हाईटेक होने की शुरुआत की थी। हेल्पलाइन नंबर से लेकर मिस कॉल से मेंबर बनाने तक की तकनीक जेएमएम ने अपनाई थी, लेकिन अब ये सब बीते दिनों की बातें हो चुकी हैं। पार्टी के आधिकारिक वेबसाइट पर 2014 के आगे की प्रेस रिलीज तक अपलोड नहीं है। इतना ही नहीं, वेबसाइट पर नव वर्ष का अंतिम संदेश भी 2015 का है। हेल्पलाइन नंबर वही है, लेकिन अब इस पर कोई जवाब नहीं देता। बंपर बहुमत से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को बने अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं कि सरकार के अंदर से खींचतान की खबरें आने लगी हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल पिछले दिनों दो अलग अलग कार्यक्रमों में गए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली थी। सतपाल महाराज को लगता है कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है। दरअसल राज्य में सिविल एविएशन विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है और महाराज इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसे लेकर महाराज ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चिट्ठी भी लिखी है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी दोनों अनोखी होती है और तेलंगाना की राजनीति में तो ऐसा दिखाई दे रहा है। दशकों तक एक दूसरे के साथ सियासी जंग लड़ने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और तेलुगुदेशम के बीच तेलंगाना में एक दूसरे के साथ दोस्ती की पिंगे बढ़ा रहे हैं। अगर दोनों पार्टियों का एक दूसरे के साथ मेलजोल 2019 तक जारी रहा तो दोनों पार्टियां तेलंगाना में साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। कल्पना कीजिए, चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी तेलंगाना में साथ मिलकर चंद्रशेखर राव और नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं। तेलुगु राज्यों की राजनीति में ये बड़ा शिफ्ट होगा। इसकी वजह यह है कि तेलुगु देशम की नींव 1982 में अपने एंटी कांग्रेस रुझान की वजह से पड़ी थी, लेकिन कहते हैं कि सियासत में कब कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी ने सबसे पहले इस गठजोड़ की संभावनाओं का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी किसी अन्य गैर बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर टीआरएस को टक्कर देने के लिए तैयार है। इससे टीडीपी और लेफ्ट पार्टियों के लिए एक मौका हो सकता है। राम मंदिर को लेकर अपनी प्रतिबद्धता की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक और मिसाल दी। बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में आरोपी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जब मंगलवार को कोर्ट में पेशी के लिए लखनऊ पहुंचे, तो योगी प्रोटोकॉल तोड़कर उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां दोनों नेता रुके हुए थे। योगी के इस पॉलिटिकल गेस्चर की दबी जुबान में काफी सराहना की जा रही है, क्योंकि योगी आडवाणी और जोशी के साथ ऐसे समय में खड़े दिखे हैं जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी की वर्तमान व्यवस्था में दोनों को पार्टी में अलग थलग कर दिया गया है। अपने जीवन के 75 बसंत पार कर चुके शरद पवार अभी भी राजनीति में सक्रिय रहने का नुस्खा जानते हैं। कभी पीएम नरेंद्र मोदी को अपनी कर्मभूमि बारामती बुलाकर उन्हें अपने घर भोजन कराते हैं, तो कभी विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए उनका नाम आगे आता है। ऐसे में सबको राजनीति में साधने की कला वाले पवार अब देश के बचे खुचे पुराने नेताओं में हैं। पवार महाराष्ट्र की राजनीति में भी अपनी सक्रियता लगातार बनाए हुए हैं। पवार अब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट मुंबई नागपुर समृद्धि गलियारे में रोड़ा अटकाने की तैयारी में हैं। पवार ने 12 जून को इस परियोजना से प्रभावित हो रहे लोगों की एक बैठक औरंगाबाद में बुलाई है।
बताया जा रहा है कि पवार इस बैठक में लोगों की राय सुनने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। दरअसल पवार अपने पसंदीदा प्रोजेक्ट लवासा परियोजना को फड़नवीस सरकार द्वारा स्पेशल डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया जाने से खासे नाराज हैं।